वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल तो काफ़ी अच्छा सब कुछ हो गया था और कैंप साइट वगैरह नहीं हुआ था क्योंकि बारिश आने लगी थी। तो अभी तो क्या है, अभी हम जाने वाले हैं प्रॉपर ट्रैक करने के लिए। अभी आपको दिखाता हूँ सामने का नज़ारा, काफ़ी अच्छा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा मेन ट्रैक शुरू हो चुका है। जो आप पानी की आवाज़ सुन रहे हैं वो ग्लेशियर में से आ रहा है पिघल पिघल कर। और अभी हम जाने वाले हैं, एक महादेव जी का मंदिर है, 500 साल से भी पुराना मंदिर है। तो आज हम पहले वहाँ सब इकट्ठे होने वाले हैं, उसके बाद हमारा ट्रैकिंग जो शुरू होने वाला है। और बाकी के ग्रुप मेम्बर्स आगे हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आगे सब चल रहे हैं। ये पानी है पूरा, ये देख, पूरा का पूरा साफ पानी है। और धीरे धीरे हम चढ़ेंगे ताकि और भी ज़्यादा सांस ना फूल जाए। तो वादियाँ भी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से नज़ारा। ये देखिए दोस्तों, ये जो वादियों का नज़ारा है ना, और भी इससे भी अच्छे अच्छे नज़ारे ऊपर जाकर आएंगे। तो बने रहेंगे इस ब्लॉग के ऊपर क्योंकि ये आज से हमारा मेन ट्रैकिंग का जो ब्लॉग है वो शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि हम एक शिव मंदिर पर आने वाले थे, तो मैं अभी आपको पूरा दिखा देता हूँ शिव मंदिर। ये देखिए पूरा शिव मंदिर है। ये दोस्तों शिव मंदिर जो है वो 500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसकी कलाकृतियाँ काफ़ी अच्छी है और मतलब क्या बात करो। मेरे पीछे ये देखिए आप, ये पूरा जो आप देख रहे हो ऊपर सारा स्नो ही स्नो है। और हमें जाना है इस तरफ, ऊपर चढ़ना है। अभी दूसरा ग्रुप आने वाला, तब तक के लिए हम यहाँ फोटोशूट वगैरह करते हैं। एंड ये पूरा जो ये मंदिर है ना, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ से नज़ारा भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ सब फूल वगैरह है, ये पूरा मंदिर है, ये पूरा, ये देखिए और ये देखिए दोस्तों। इसी नज़ारे के लिए हम तो इधर आए हैं। ये देखिए पूरा पूरा। तो अभी तो सिर्फ यह शुरुआत है। मैंने आपको कहा था जितना हम ऊपर जाएंगे नज़ारा उतने ही ज़्यादा खूबसूरत बनेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, और अगर पहली बार हो चैनल के ऊपर तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे अमेजिंग वीडियोस ट्रिप के मैं लाता रहता हूँ और ऐसी अमेजिंग जगहों के बारे में भी मैं आपको बताता रहता हूँ।
फाइनली दोस्तों, वैसे तो काफ़ी ऊपर आ पहुँचे, काफ़ी नहीं अभी थोड़ा ही है। मेरे साथ हमारे टीम मेंबर, वन ऑफ द टीम मेंबर हस्ती, तो हमेशा हस्ती रहती है और काफ़ी प्रॉपर, मतलब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, और ये हमारा ट्रैक है, ये हम है, ये हमारी पहाड़ी हो रही है, पहाड़ी हो रही है, ये 2.5 किलो का अच्छा खाचिया, 4 किलो का बैग खाचिया, ऐसे नहीं उठेगा। ये देखिए हमारा बाकी के ग्रुप मेंबर्स संजय भाई और सारे अनदर ग्रुप मेंबर्स, और पीछे अभी पहाड़ पूरी तरीके से ढक चुका है दोस्तों, लेकिन यहाँ तो हर एक जगह है जहाँ पर ब्लॉगिंग हो सकती है, लेकिन हम थोड़ा कंट्रोल करेंगे, ऊपर जाकर आराम से आपको सब कुछ दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून इन दिस व्लॉग। आधे से ज़्यादा सफ़र हमने तय कर लिया है, और ये हमारा पूरा ग्रुप, सब लोग, ये देखिए सब लोग इस तरफ भी आगे हैं, सब लोग पूरा, और बारिश का थोड़ा थोड़ा लुफ्त उठाते हुए, साथ में गर्मियों का भी लुफ्त उठाते हुए, और एक और पर्सन है जो आगे सर्दियों का भी लुफ्त उठा रही है, तो काफ़ी अच्छा। और ये देखिए हमारे नाश्ता वाले भैया ऋषभ भाई साहब, और काफ़ी अच्छा नज़ारा, नीचे छोटा सा झरना बह रहा है लेकिन काफ़ी दूर है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी, रिसा काफ़ी जल्दी है, तो मोए मोए हो जाएगा सबका। चलिए ऊपर चलते हैं। हमारे ग्रुप के सबसे अच्छे और सबसे नौजवान मेंबर्स आ रहे हैं, तो दोस्तों काफ़ी यहाँ से हम ऊपर चढ़ कर आए, और ऊपर जाने वाले हैं, तो प्रोग्राम ये है कि साथ में हमने लंच जो है वो पैक कर लिया है, नीचे से ही हमें दिया गया है, 1 बजे के, एक जब 1 बजे का, अभी कुछ 11 बजे है, अभी देख लीजिए मौसम 11 बजे में कैसा है, और अभी तो हम और ऊपर जाने वाले हैं और अंदर जाने वाले हैं, जैसे मौसम और ज़्यादा ख़राब होने वाला है, और नीचे से हमें ये भी सूचना मिली थी कि जो है वो वातावरण और ज़्यादा ख़राब होने वाला है, यानी कि ठंडा स्टॉर्म होने वाला है, तो बेस कैंप पर हम जाएंगे, फिर कल दूसरा ग्रुप आएगा तो हम इस बेस कैंप को छोड़कर और आगे जाने वाले हैं, तो इस ऐसे पूरे 4-5 दिन तक हम चलने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है, भले ही तकलीफ हमें हो रही है लेकिन आपको भी मज़ा आने वाला है, या ये है, तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। काफी मशक्कत करने के बाद और हमारा सफर काफी रोमांचक रहा, बीच में हम तो 10 मिनट घूम भी गए, वो यही जगह इसी जगह घूम गए।
और तुरंत ही हमको रास्ता मिल गया हमारा। सिटी अभी बजाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो फाइनली दोस्तों, या पहला बेस कैंप है ना हमारा, पहला बेस कैंप के ऊपर हम पहुंचे। अभी तो परकू नेटॉप बाकी है, लेकिन हम कल सवेरे वापस यहाँ से चढ़ने का शुरू करेंगे। ये हमारा टेंट साइट है, हम देख सकते हो पूरा। उसके बाद अब मैं आपको नजारा दिखाता हूँ, सामने वाला नजारा कैसा है। It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. अपनी जवार ताना अपनी जिंदा जाने दानी हो अपना जीव तरनी अपनी जवार ताना अपनी जिंदा जाने रानी खादू पीदू ने पची मौज की भी कहिए तो थई जाती परी नी कहानी ओ अपना ज जीव तरनी अपनी ज वारताना अपनी ज राजा रे रानी प्यारे तमने जोया छे तमे छो हे न करता पण वधारे तमने जोया छे नैन ने बंद राखी ने तू एक ज हती पण रंग नो तो अपनो एक ऋतु एक रंग नो तो अपनो एक मने सहराए जोयो छे बहारे तमने जोया छे मने सहराए जोयो छे बहारे तमने जोया छे तमे छो ए न करता पण वधारे तमने जोया छे नैन ने बंद राखी ने ओ क्यारे पूरा थशे मन ना को ओ क्यारे पूरा थशे मन ना को किसाए वो मारो गुलाब नो छोड़ साहेबो मारो गुलाब नो छोड़ हो क्यारे पूरा थशे मन ना कोड के साहेबो मारो गुलाब नो छोड़ साहेबो कलकलती नदियों मा सागर छलका नदियों छलकाए छे नदियों ना वेण मा सागर छलकाए छे सागर ने जोए सूरज पूछे छे गेल मा नदियों नू जरू पर आप मा खोवाए छे हो सागर थवाना जा कोड किसाए को मार गुलाब नो छोड़
तो दोस्तों ये जो कैंप है उसका नाम है मिंडा बेस कैंप। तो अभी यहाँ अभी शायद हम 8000 फुट है दोस्तों, तो हमारा जो परकुनी टॉप है वो कुछ 11000 फुट की ऊंचाई के ऊपर है। तो हमें कल सवेरे वापस से ट्रैक शुरू करना है। तो अभी थोड़ा बहुत कैंप फायर किया आपने, मतलब कैंप फायर तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ की आपने झलक देखी। रात को आज फिर से कैंप फायर करेंगे, फिर इस व्लॉग का एंड करेंगे। आई होप आप इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हो। सो स्टे ट्यून्ड।